क्वेश्चन नंबर 77, ए स्मॉल सोर्स ऑफ साउंड ओसिलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। कोई सोर्स है वो सिंपल हार्मोनिकली ओसिलेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये माइनस एक्सट्रीम है, ये सोर्स है। विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 17 सेंटीमीटर ए डिटेक्टर, यहां पे कोई डिटेक्टर है मतलब ऑब्जर्वर कह सकते हो, placed along the line of motion of the source, source meets a frequency, ये जो source है वो frequency meet कर रहा है और वो frequency जो है किसके बराबर है 800 hertz, इतनी frequency meets कर रहा है, which travels at a speed of, speed जो है sound की वो है 340 meter per second। If the width of the frequency band, width of the frequency band का मतलब जितनी maximum frequency वो सुन रहा है और जितनी minimum frequency सुन रहा है उनका difference, maximum frequency minus minimum frequency जो है वो कितनी है 8 hertz है, width of the frequency band detected by the detector is 8 hertz, जो apparent frequency है उसकी maximum value minus minimum value वो किसके बराबर है 8 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स, सोर्स का टाइम पीरियड बताना है कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम कब होगी जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो इस डायरेक्शन में, वो कब होती है जब मीन पोजीशन पे हो, और वो किसके बराबर होती है ए ओमेगा, ठीक है, और जब ये इधर जाएगा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी मिनिमम होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते कितनी होगी, मैक्सिमम अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ द साउंड 340, ऑब्जर्वर तो जो है रेस्ट पे है अपॉन 340 माइनस सोर्स जो है ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में जा रहा, सोर्स ये है हमारा ऑब्जर्वर, ये है सोर्स के ऑब्जर्वर की जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है ए ओमेगा के बराबर है, फ्रीक्वेंसी जो 800 है मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ये मीन पोजीशन पे ही होगा, अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी उल्टी हो जाएगी, तो सोर्स और ऑब्जर्वर तो सेम साइन कन्वेंशन सेम ही रहेगा, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सोर्स, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो है, सोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी ए ओमेगा के बराबर की मीन पोजीशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इनटू 800, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 के बराबर है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 340 माइनस ए ओमेगा इनटू 800 माइनस 340 अपॉन 340 प्लस ए ओमेगा इंटू 800 वो किसके बराबर है 8 के बराबर है, ठीक है, अब इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो बाहर निकाल लेते हैं, 340 इंटू 800 जो है वो कॉमन आ रहा है, यहां बचा 340 माइनस ए ओमेगा 340 प्लस ए ओमेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 340 प्लस ए ओमेगा माइनस 340 माइनस ए ओमेगा इसके बराबर होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और वो किसके बराबर है 8 के बराबर है, इसको करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ए ओमेगा जो है वेरी वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड जो है स्मॉल है 0.717 है, ओमेगा भी वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो इस ये आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर देते हैं
तो इसको हम करें 340 इंटू 100, ऊपर तो 2a ओमेगा है और नीचे जो है इस वाली क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, 340 इंटू 340 लिख देते हैं, जो 340 का स्क्वायर माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर है उसको हमने 340 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये जो टर्म है वेरी वेरी स्मॉल होगी, कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये 8 के बराबर है और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो इस कोरस्पोंडिंग जो टर्म है तो ए ओमेगा जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 4 इंटू 34 अपॉन 10, ए की वैल्यू किसके बराबर दी है, 17 सेंटीमीटर दी है, 17 अपॉन 100, जो ए ओमेगा है वो 34 इंटू 4 ऊपर चला गया, 10 नीचे गया, इसके बराबर है, ए ओमेगा ए की वैल्यू इतनी है और टाइम पीरियड निकालना तो ओमेगा का लिखें 2/T लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, गड़बड़ की। अच्छा 8 से 8 तो पहले ही काट दिया था हमने, ये यहाँ पे है ही नहीं कुछ, यहाँ पे 1 है, इसको दोबारा कर लेते हैं, हमने 800 से 800 काट दिया था, 340 इंटू 100 इंटू 2 ए ओमेगा अपॉन 340 इंटू 340 इजिकल टू 1, ये है 340 से 340 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 17 आ जाएगा, तो ए ओमेगा जो है 17 अपॉन 10 के बराबर है, ए ओमेगा किसके बराबर है, 17 सेंटीमीटर के बराबर है, मीटर बना लेते हैं, 17 अपॉन 100 और ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी, टी जो है 2 पाई अपॉन 10 के बराबर आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 इसके बराबर हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.63 लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप 0.628 भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.63 हो जाएगा, इतना उसका टाइम, इतने सेकंड उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा,